पोकरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित एक नगर व तहसील मुख्यालय है। पोकरण का यह क्षेत्र कभी प्रसिद्ध रहा परमाणु परीक्षण के लिए। पोकरण की धरती पर जन्म लिया राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी ने, जिन्होंने बाल्य अवस्था में भैरव राक्षस का वध किया। पोकरण का यह क्षेत्र प्राचीन समय में सातलमेर के नाम से भी जाना जाता था। मारवाड़ के राजा सातल ने पोकरण की स्थापना की। पोकरण के उजड़ने में पूर्ण बसाने का श्रेय राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता रामदेव जी को जाता है। पोकरण जैसलमेर से 112 किलोमीटर तथा जोधपुर से 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार पोकरण शहर की जनसंख्या 28,457 थी। यहाँ पर बोले जाने वाली मुख्य भाषाएं हिंदी व मारवाड़ी है। पोकरण के आसपास के गांवों में गोमत, बल्ली, बल्लिमदा, बल्लिया, केलवा, थाट, उजलन, धूड़सर, लवाण, मोरनी, दिदनिया, एक्का, हनुमानपुरा, देवलपुरा, रामदेवरा आते हैं। पोकरण का ज्यादातर क्षेत्र रेगिस्तान से घिरा हुआ है। रेत तथा साल्ट रेंज से घिरा पोकरण का यह क्षेत्र पर्यटन के मामले में काफी प्रसिद्ध है। पोकरण का यह क्षेत्र जैसलमेर के अलावा बीकानेर व जोधपुर से काफी नजदीक है। पोकरण की सैर के दौरान आप यहां का फोर्ट, प्रसिद्ध आशापुरा माता का मंदिर व खिमज माता का मंदिर देख सकते हैं। शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है साल्ट लेक, जो गुजरात के कच्छ के रण की तरह दिखाई देती है। इस साल्ट लेक में नमक निकालने के कई इकाइयां स्थित है। वहीं पोकरण से महज 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शक्ति माता मेमोरियल, जो कि एक शाही स्मारक है। यह छत्रिया शहर का प्रमुख पर्यटन स्थल है। यहाँ पर सनसेट का नजारा एक मनोरम दृश्य प्रकट करता है। पोकरण तहसील का नाचना गांव ऊंट की सवारियों के लिए काफी प्रसिद्ध है। पोकरण के इस गांव में रेत के टीले हवा के साथ आगे बढ़ते हैं। रेत के टीलों की आगे बढ़ने की इस प्रक्रिया को रेगिस्तान का मार्च भी कहा जाता है। वहीं राजस्थान में पीवड़ा सांप पोकरण तहसील में ही पाया जाता है। यह सांप हवा में जहर छोड़कर इंसान की जान ले लेता है। पोकरण पुराने समय में मसालों के व्यापार करने का एक रूट था। यहाँ से भारतीय मसालों को फारस, ईरान व अरब देशों में सप्लाई किया जाता था। पोकरण का यह क्षेत्र कभी प्रसिद्ध रहा परमाणु परीक्षण के लिए। भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी की सरकार में किया गया। इस परमाणु परीक्षण को स्मालिंग मुद्दा नाम दिया गया। 13 मई 1998 को दोबारा अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में DRDO की सहायता से देश का दूसरा परमाणु परीक्षण पोकरण की धरती पर सफलतापूर्वक किया गया तथा भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में विश्व में प्रस्तुत किया। इस परमाणु परीक्षण पर बॉलीवुड में एक फिल्म भी बन चुकी है। पोकरण का यह क्षेत्र पुष्करणा ब्राह्मणों के पूर्वज पोकर ऋषि द्वारा बसाए जाने के कारण इस स्थान का नाम पोकरण पड़ा। आज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में पुष्करणा ब्राह्मण निवास करते हैं। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस क्षेत्र में 18 पोखर व एक खारे पानी का रण हुआ करता था। पोकरण शहर नेशनल हाईवे 11 के किनारे तथा जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर स्थित है। आजादी से पूर्व पोकरण जोधपुर रियासत का एक महत्वपूर्ण भाग था। थार रेगिस्तान में स्थित पोकरण की जलवायु काफी विषम मानी जाती है। यहाँ सर्दियों में अत्यधिक सर्दी तथा गर्मियों में अत्यधिक गर्मी पड़ती है। गर्मियों में इस इलाके में पूरे दिन लू चलती रहती है। आंधियां व रेत के बवंडर आना यहाँ पर सामान्य बात है। रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण पोकरण में कृषि योग्य पानी की उपलब्धता बहुत कम है। यहाँ पर कृषि पूरी तरह से मानसून पर आधारित है। यहाँ पर सामान्यतः खरीफ की फसल उगाई जाती है। पोकरण शहर में प्रसिद्ध किला स्थित है, जिसे आज हेरिटेज होटल का रूप दे दिया गया है। यहाँ पर हर साल हजारों देशी और विदेशी सैलानी इस दुर्ग को देखने के लिए आते हैं। इस किले का निर्माण 1550 में राव मालदेव ने करवाया था। यह स्थान बाबा रामदेव जी के गुरुकुल के रूप में विख्यात है। पोकरण का यह किला लाल पत्थरों से निर्मित एक सुंदर दुर्ग है। इस किले में मुगल व राजपूत शैली की स्थापत्य कला का मिश्रित उदाहरण देखने को मिलता है। किले में शाही अस्त्र शस्त्रों का एक संग्रहालय बना हुआ है। भवानी सिंह पोकरण आजादी से पहले इस किले के अंतिम जागीरदार थे। पोकरण से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर, जिनकी पूजा राजस्थान ही नहीं गुजरात समेत कई राज्यों में होती है। बाबा रामदेव जी मुस्लिमों में रामसा पीर के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका समाधि स्थल रामदेवरा गांव में स्थित है। इस स्थान पर हर साल भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से दशमी तक रामदेव जी का भव्य मेला लगता है, जहां पर राजस्थान तथा आसपास के राज्यों से लोग पैदल यात्रा करके बाबा रामदेव जी का दर्शन करने आते हैं। पोकरण सड़क व रेल मार्ग दोनों से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है। पोकरण के रेलवे स्टेशन से जैसलमेर, बीकानेर व जोधपुर के लिए ट्रेन पकड़ी जा सकती है। शहर में कई होटल व लॉज बने हुए हैं, जहां पर ठहरा जा सकता है। पोकरण का पिन कोड 345021 है। अगर दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो पोकरण के बारे में पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।